ओवर रेट पर शराब बेचे जाने का विरोध करना अधेड़ दलित युवक को भारी पड़ गया। कसूर सिर्फ इतना था कि अधेड़ युवक ने ओवर रेट पर बेची जा रही शराब का विरोध किया और शराब विक्रेता द्वारा युवक पर हमला कर दिया। योगी राज में भी प्रशासन की लापरवाही से दबंगों की दबंगी थमने का नाम नहीं ले रही, चाहे वह आम आदमी की हो या प्रशासन से लेकर अन्य विभाग की। पूरा मामला बजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव बगरैन का है, जहां बुधवार शाम दलित युवक की सरकारी देसी शराब की दुकान पर शराब की ओवररेट बेचने का विरोध करने पर सेल्समैन ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक ने थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन पुलिस सेल्समैन के खिलाफ कार्यवाही करने की जगह उल्टा ही शराब में जेल भेजने की धमकी दे रहा है। दलित पीड़ित जब तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किए बगैर दलित को थाना से भगा दिया। युवक का कहना है कि पुलिस ने कच्ची शराब लगाकर पीड़ित को जेल भेजने की धमकी भी दी, जिससे पीड़ित अब बुरी तरह से घबराया हुआ है और प्रशासन द्वारा कार्यवाही ना करते हुए दलित को दर दर भटकने को मजबूर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दीनदयाल जी, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे सर, मैं ठेके पर उनकी वास्ते दारू लेने गया। वह दारू मैं लेने गया ठेके पर, वहाँ वो दो लोग बैठे थे, देसी वाले अंग्रेजी वाले। मैंने उसका प्रिंट पढ़ा, उस पर 65 रुपये पड़े थे। मैं उसको बोला 65 रुपये हैं इसमें, तुमने 75 रुपये किस वास्ते काटे? मैंने 2 पौवे लिए थे और 150 रुपये उसने लिए, मेरे काट लिए 200 के नोट में से। इतने पे कहने लगे लेना है ले, नहीं चमटते साले एक सफेड़े में मार के तेरे को भगा दूंगा अभी साले, 75 का लेना हो तो ले जा। मैं कहा भाई मारने की क्या बात है, इसलिए आप क्यों गलत बोल रहे हो मेरे से? मारने की क्या बात है इसमें? मैंने यही तो कहा है, तो प्रिंट ज्यादा ले रहे हो तुम, प्रिंट से भी फालतू पैसे ले रहे हो। इतने पर भी मेरे डंडा मारा, एक मेरे हाथ में डंडा मारा। मैंने कुछ नहीं, मैं यार तो मैं क्यों मार क्यों रहा है? उसमें से एक उठा, उसने एक धारदार मेरी आंख के बराबर से ऐसा कोई धारदार वस्त्र मारा है, जो उससे मेरे बेहोश होके मैं गिर गया। गिरने के बाद सर मेरे को कोई पता नहीं कौन ले गया है। प्राइवेट दुकान पे मेरी जाकर एक पट्टी किसी ने करा दी, गांव वाले ने या आने गांव वाले को, मेरे को ये पता कुछ भी नहीं। पुलिस को शिकायत की आपने? पुलिस को शिकायत मैंने की, अपने यहाँ पुलिस ऐसे साधा गया तब भी नहीं आए, और मैं तेरी रिपोर्ट दी वो भी उन्होंने नहीं, मेरे को वापस भी नहीं दी, तू कॉपी भी नहीं कराने दी। फिर मैं दूसरी रिपोर्ट बनवाई, तेरी रिपोर्ट बनवाई, फिर मैं थाने गया, उसी दिन भी गया था रात को। फिर सुबह थाने गया मैं रिपोर्ट लेके, तेरी रिपोर्ट लेके, उन्होंने कह दिया। मैं कहा इसकी मेरे को पर्ची बना के दो, मेरा मेडिकल हो जाए। तो कहने लगे 5 लीटर की कैनी इसमें लगाकर कच्ची शराब, और इसको बंद कर दो। सर मैं डर के अपने चुपचाप भाग आया। सर मेरी कोई कानून कार्रवाई हो सके तो लिहाजा कर सको तो कर दो, मैं कहाँ जाऊँ। मगर उन्होंने एक बात भी नहीं मानी मेरी, मैं फिर चला आया। अब क्या करेंगे आप? अब मैं ये सोचता हूँ, मैं दिशा देखकर कोई मेरी सुनवाई की जाए। कहाँ जाऊँ? बदायूं जाऊँ, बरेली जाऊँ, या फिर इलाहाबाद जाऊँ, या दिल्ली जाऊँ, कहाँ जाऊँ? कहाँ सुनाई होगी मेरी?